अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.4 सिंटैक्स बोर्ड। ठीक है, डिवीजन हमें परफॉर्म करनी है आज। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें गिवन है, दैट इज़ 5x² - 16xy - 3y² ठीक है, और x माइनस 3y से हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे वो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रिक है, 5x² को अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ की जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है x है, ठीक है, तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा कि जिस नंबर को हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो इंटरनल टर्म्स है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, ये हमारे पास इजीली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी और हम इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5x², ठीक है, अगर हम इस 5x² को यहाँ के इस फर्स्ट डिजिट x से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5x² है डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ का x यहाँ के x² के 1x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेड हमारे पास क्या बचेगा, 5x बचेगा। ठीक है, यानी कि हम अगर x माइनस 3y से इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास दो नंबर आएंगे, जिन नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें x माइनस 3y, ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई किया है 5x है। ठीक है, यहाँ पर देखें 5 अपनी पोजीशन पर, यहाँ पर 1 है, 5 1 = 5, x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखें 5 × 3 = 15, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा xy। ठीक है, यानी कि हमने अगर 5x को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्टेड आया वो ये आया, और इस रिजल्टेड को हम यहाँ पर लिख देंगे 5x² - 15xy। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला नंबर प्लस में है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर ये माइनस में है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। -16 + 15 को अगर हम करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और साइन हमारे पास क्योंकि बड़ी वैल्यू को हमेशा लगता है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू हमारे पास 16 है, दैट इज इन माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -16y, यहाँ पर हमारे पास 1 बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 कंसीडर करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ठीक है, हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा +3y² ठीक है, +3y² ठीक है, यहाँ पर हमारे पास +3y² हमारे पास बच गया, यहाँ पर हमने 5x लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो अब हम अपने स्टेप को फॉलो करेंगे, -xy को ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर इस x को दोबारा से डिवाइड करेंगे, x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -y की वैल्यू बच जाएगी, यानी कि अगर हम इस टर्म को -xy से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे। ठीक है, -y, ठीक है, x - 3y, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -y से, आ जाएगा -xy, -, प्लस, ठीक है, और 3y², ठीक है, इस वैल्यू को अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, -xy + 3y² ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये साइन माइनस का है, ये प्लस के साइन के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, यही प्लस का है, ये माइनस के साइन के साथ चेंज हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिजल्टेड हमारे पास क्या आया, 0। तो यानी कि अगर हम x - 3y को 5x² - 16xy के साथ और +3y² के साथ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो हमारा रिमेनिंग आंसर आता है, जो कि हमारा कोटेशन भी है, दैट इज, ठीक है, वो हमारे पास क्या आया है, 5x - y।